अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइकी। दोस्तों, हर काम करने का कोई ना कोई तरीका होता है। जैसा कि अगर हमें सीढ़ियों से नीचे उतरना हो तो हम नॉर्मली चलते हुए नीचे उतरते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो अपना हर काम अलग अंदाज से करते हैं। दोस्तों, नो डाउट के हम सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो जरूर होता है, मगर कुछ लोग अपने टैलेंट में भी इतने माहिर हो जाते हैं कि फिर वो अपनी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करते हैं, जो कि काफी वायरल भी होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट पर वायरल होने वाले चंद टैलेंटेड लोग दिखाऊंगा जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, ड्रिफ्टिंग विद बोट। दोस्तों, आजकल के नौजवानों में एक शौक बहुत कॉमन पाया जाता है। जब भी कोई टीनएजर कार ड्राइविंग सीखता है तो उसकी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि वो अब ड्रिफ्टिंग करना भी सीख ले। आपने इंटरनेट पर बेशुमार वीडियोस में लड़कों को ड्रिफ्टिंग करते हुए देखा होगा, और कुछ लोग तो अपनी कार को ड्रिफ्ट करके परफेक्टली पार्क भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पानी में चलती हुई कश्ती के साथ भी ड्रिफ्टिंग की जा सकती है, और ड्रिफ्टिंग करते हुए उसे परफेक्टली पार्क भी किया जा सकता है। ये काम सिर्फ टैलेंटेड लोग ही कर सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देखें, ये देखकर आपको यूं लगेगा जैसे ये कश्ती इस दीवार के साथ टकराने लगी है। असल में कश्ती का ड्राइवर ड्रिफ्ट करते हुए कश्ती पार्क कर रहा है। ऐसा करना हर इंसान के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ टैलेंटेड लोग ही कर सकते हैं। नंबर 2, बॉलिंग। दोस्तों, बॉलिंग करने के लिए हमें बड़े बड़े मॉल्स में जाना पड़ता है, या फिर हम गेमिंग जोन में जाकर भी बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन टैलेंटेड लोग इस काम को भी अपने ही अंदाज से करते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें कुछ दोस्त मिलकर रोड पर बॉलिंग कर रहे हैं, जिसमें ये लोग बॉलिंग पिंस को काफी दूर सेट कर देते हैं, और इनमें से एक दोस्त बॉल को टारगेट की तरफ फेंक देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये बॉल इन टारगेट पिंस को हिट करेगी? वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर बताएं। नंबर 3, डाउनस्टेयर्स। दोस्तों, अगर आपको सीढ़ियों से नीचे उतरना हो तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप पैदल चलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर आएंगे। और अगर आप डबल स्टोरी घर में रहते हैं, फिर तो आप ये काम डेली करते होंगे। इसके अलावा आपने बहुत से लोगों को कुछ इस तरीके से भी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा होगा, लेकिन कुछ लोग इससे भी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। जैसा कि आप इस लड़के को देखें, जो कि टायरों वाली शूज पहनकर सीढ़ियों की साइड पर बनी सपोर्ट के ऊपर स्केटिंग करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरता है। दोस्तों, ये लड़का इतनी स्मूथली इन सीढ़ियों से नीचे उतरता है कि ये देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। ये लड़का सच में बहुत ही टैलेंटेड था। नंबर 4, ओपनिंग अ बॉटल। दोस्तों, बोतल एक ऐसी चीज है जिसे हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, और जाहिर सी बात है, बोतल पीने के लिए हम सबसे पहले उसका ढक्कन खोलते हैं। कुछ लोग इस काम में भी अपना टैलेंट दिखाने से पीछे नहीं रहते। आप सब ने इस इंटरनेट चैलेंज को तो देखा ही होगा, जिसमें लोग अपने पैर की मदद से या फिर अपने अपने अलग अंदाज में बोतल का ढक्कन खोलते हैं। लेकिन दोस्तों, इस लड़के ने इस चैलेंज में सभी को पीछे छोड़ दिया। सही बताऊं तो इसे देखकर तो मेरा सर भी चकरा गया था कि आखिर इस लड़के ने ये कैसे किया। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या ये किसी किस्म की एडिटिंग थी या फिर इस लड़के का टैलेंट। नंबर 5, ह्यूमन स्विंग। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत से झूले लिए होंगे, लेकिन स्विंग एक ऐसा झूला है जो हम सभी का फेवरेट होता है। ये झूला बड़ी उम्र के लोग भी इजीली ले लेते हैं। इस झूले को लेने के लिए हमें पार्क में जाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को स्विंग इतनी ज्यादा पसंद होती है कि वो इसे अपने घर में ही लगवा लेते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इंसानी स्विंग देखी है? ये सोचने में ही काफी अजीब लगता है, लेकिन टैलेंटेड लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं। जैसा कि इस वीडियो में आप इन दोस्तों को देख सकते हैं, जो कि मिलकर एक स्विंग झूला बना लेते हैं और अपने एक दोस्त को ये झूला झुलाते भी हैं। वैसे इन लोगों को अपने इस टैलेंट का काफी फायदा भी है, क्योंकि जब भी इन्हें स्विंग लेनी हो तो उसके लिए इन्हें पार्क में नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। नंबर 6, फुटबॉल गोल। दोस्तों, फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें प्लेयर्स को हर वक्त एक्टिव होकर खेलना पड़ता है,
क्योंकि किसी भी वक्त फुटबॉल किसी भी प्लेयर की तरफ जा सकता है और जब भी किसी प्लेयर ने गोल करना हो तो वो फुल पावर के साथ फुटबॉल को किक मारता है और इस बात का खास ख्याल रखता है कि किक के दौरान कोई भी गलती ना हो। लेकिन कुछ प्लेयर्स भी इतने ज्यादा टैलेंटेड होते हैं कि वो अपने टैलेंट से ऑडियंस को हैरान कर देते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप इस प्लेयर को ही देख लीजिए जो कि मैच के दौरान गोल करने के लिए जब ऑपोजिट टीम के पोल के पास पहुंचता है तो गोल करने की बजाय अपने शू के लेसेस बांधने का नाटक करना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर ऑपोजिट टीम के प्लेयर इसे रोकने के लिए इसकी तरफ दौड़ते हैं। इतने में ही ये प्लेयर गोल कर देता है। दोस्तों, ये प्लेयर इतने शानदार तरीके से गोल करता है कि ऑपोजिट टीम के गोलकीपर को भी पता नहीं चलता और सब लोग उस पर हंसना शुरू हो जाते हैं। इस प्लेयर का गोल सच में बहुत ही कमाल का था। नंबर 7, गर्ल वॉकिंग ऑन साइकिलिस्ट। दोस्तों, इस लड़की को देखें, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, एक बार फिर से इसे देखें और मुझे बताएं कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। नंबर 8, दोस्तों, हम में से कुछ लोग डेली कार ड्राइव करते हैं और कार में बैठने के लिए हमें पहले तो कार का डोर ओपन करना पड़ता है और फिर हम कार में बैठते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आपके दोनों हाथों में सामान हो तो फिर आप कार का डोर कैसे ओपन करेंगे? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टैलेंटेड लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं। टैलेंटेड लोग इस सिचुएशन को भी बहुत ही इजीली हैंडल कर लेते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप इस लड़के के टैलेंट को देखें जो कि कार का डोर ओपन किए बगैर इजीली कार में बैठ जाता है। ये लड़का इतनी आसानी से कार में बैठता है कि इसे देखने वाले की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नंबर 9, दोस्तों, अब आप इस वीडियो में इन दोस्तों को भी देखें जो कि एक कश्ती में ट्रेवल कर रहे थे कि अचानक आगे से एक ब्रिज आ जाता है। इनमें से एक दोस्त एक कैन को ब्रिज की एक तरफ से ऊपर हवा में उछाल देता है और जब कश्ती ब्रिज की दूसरी तरफ पहुंचती है तो दूसरा दोस्त उस कैन को कैच कर लेता है। दोस्तों, ये सच में बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, क्योंकि ये इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। नंबर 10, दोस्तों, आप सब ने लाइफ में कभी ना कभी फिशिंग तो की ही होगी। कुछ लोग हुक की मदद से फिशिंग करते हैं और कुछ लोग नेट की मदद से फिशिंग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि टैलेंटेड लोग मछलियां कैसे पकड़ते हैं? तो इस वीडियो में आप इस लड़के को फिशिंग करते हुए देखें। इस तरीके से मछलियां पकड़ने के लिए आपको बहुत ही हिम्मत और ताकत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतनी बड़ी मछली आपको पानी में भी खींच सकती है। वैसे मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई इस तरीके से मछलियां पकड़ना चाहेगा। तो दोस्तों, ये थे दुनिया में मौजूद चंद टैलेंटेड लोग। इनमें से आपको सबसे टैलेंटेड कौन लगा, नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।